गिर मत जाना स्टाइल के चक्कर में। Look at Supriya cycling. Yay. Yes. By the way, we are cycling attempted. You tell me if it's not attempted. Look at Supriya cycling. Yay. Are you good now? Yes. गिर मत जाना स्टाइल के चक्कर में। हाथ छोड़ के चलो। नो सुप्रिया गिरोगी। सुप्रिया पीछे से मोटरसाइकिल आ रही है। ये भी सीख रहा है। इसने ही बोला था कि मैं भी चलाऊंगा साइकिल। कल से इसको भी सिखाएंगे आप। ठीक है। अरे कितना फनी लगेगा साइकिल पे बैठे हुए। ओके ओके। नजर तो मिला लो। बेचारा नर्वस है अभी। इसने अभी साइकिल कह रहा है कि ये कैसे चलाऊंगा। इनके तो पैर हाथ अलग दिखते हैं मुझसे। ये हाथ छोड़ के चलो। नो। हेलो गुड मॉर्निंग। टुडे इज अ न्यू डे और आज लग रहा है एसी एसी एसी। अभी इतना सब कुछ हो गया है। I'll just show you. इतना सब कुछ हो गया है। That's a spot जहाँ पे एसी लगेगा। और अभी वो कुछ कुछ there is some वो होना चाहिए था लकड़ी का कुछ स्ट्रक्चर। तो वो बोल रहे हैं कि हम सब लगा देंगे, आप पैसे दे देना। मैंने बोला हाँ ठीक है, लगा दो, लगवाना तो है ऑब्वियसली। तो फिर अब वो लग जाएगा। और हाँ yes, सुबह के बज रहे हैं 9 अभी और आई थिंक 10 बजे तक मेरा एसी लग जाना चाहिए, स्ट्रक्चर और सब कुछ को मिला के। बाकी अपडेट करती हूँ क्या करूँगी आज सारा दिन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। एंड नहीं है, स्टार्ट है, बट फिर भी मैं याद दिला दे रही हूँ क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हो। करो 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 प्लीज़ करो। ये बच्चा था 17 साल का तो इसको आने नहीं दिया। फिर जब वो स्ट्रक्चर लगाना था तो फिर वो गए थे जो लगा रहे थे अंकल, फिर वो गए और फिर वो लेकर आए इस बच्चे को वापस से। फिर ये घसीट के मेरे एसी को लेके गया कमरे में, इसने अनबॉक्सिंग करी और फिर इतनी देर में अंकल भी अपनी आरी वारी लेकर आ गए थे और वो अपना स्ट्रक्चर वगैरह। पता नहीं, सर्विसेज बड़े ही फास्ट थे और उन्होंने अपनी स्टोरी भी शेयर करी। इन्होंने बताया कि ये दुबई में काम करते थे और अब ये दिल्ली में काम कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है इनका यहाँ पे। और मैंने लगे हाथ इनसे अपने स्प्लिट एसी की भी बात कर ली तो इनका इन्होंने चेक वेक किया और इन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा मैडम। और सारा का सारा बिल बना था 1300 रुपये। बोले 13 नंबर अच्छा नहीं होता, 1400 रुपये दे दो। मैंने बोला भैया ये क्या मजाक है, 13 नंबर आपके लिए अच्छा नहीं है तो मैं 1400 दे दूँ, मेरे लिए अच्छा नहीं मैं 1200 दूंगी। बट देन फाइनली हम लोग लास्ट में अग्री हुए 1300 रुपये। मैं जिद पे अड़ गई कि मैं मेरी ही चलाऊंगी। फिर 1300 में मैंने उनको जाने के लिए बोला बाय दरसिया, फिर ये चले गए। तो ऐसे लगा मेरा एसी और फिर उसके बाद में मैं फटाफट से रेडी होने के लिए चली गई थी। नाउ देयर इज अ फूड कार्निवल गोइंग ऑन, हॉर्न ओके प्लीज। एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, नॉर्मल बिकॉज़ कुछ रिलैक्स ही पहनूंगी और थोड़ा सा मेकअप डिफरेंट किया है मैंने। चलो आई सी यू देयर, आई विल अपडेट यू देयर। लाइट्स ऑफ। आई एम लेट, कैब ड्राइवर इज वेटिंग। मैंने उसको बहुत देर तक वेट कराया है एंड आई डोंट नो, अगर वो चला गया तो वो मेरी गलती है। फिर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी गलती है। मैं एक्सेप्ट करूँगी, मैं वेट करूँगी और मैं लेट हो जाऊँगी। हाँ, मैं ट्रैवल कर रही थी नोएडा से दिल्ली और उसमें मुझे लगा था टाइम आई थिंक 30 मिनट्स। और बैठे बैठे मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि कब पहुंचूंगी कब पहुंचूंगी कब पहुंचूंगी। फिर बीच में ट्रैफिक भी मिला मुझे। अगर आप लोग भी हॉर्न ओके प्लीज इवेंट में जा रहे हो तो ये फ्राइडे सैटरडे संडे है। मैं गई थी फ्राइडे
और गेट नंबर का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो मुझे मैं गेट नंबर 14 देन 15, फिर मेरे को फाइनली पता चला इट वॉज नॉट 14 15, इट वॉज 13। तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो वो गेट नंबर 13 से एंट्री है। पहुँच तो मैं गई हूँ, मेरे कोई दोस्त मुझे दिख नहीं रहे हैं, बस मुझे वो डिच ना करके भाग गए हूँ, पुराना कोई बदला लिया हूँ, एक्सेप्ट वन फ्रेंड हु इज़ ऑलरेडी देयर, जिसने हेल्प की है मुझे बताने के लिए मुझे कहाँ जाना है, बाकी सब आ रहे हैं रास्ते में है। उनसे मिलके फिर रीस्टार्ट करती हूँ, अभी तो अपडेट दिया है कि हाँ मैं पहुँच चुकी हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है फ़िलहाल। तो मैं एक घंटा पहले पहुँच चुकी थी और ये एक घंटे बाद आए थे, तब तक मैं खा पी चुकी थी, मैंने सब कुछ देख लिया था और फिर हमने कुछ गाने गाए और इन्होंने मुझे मनाया भी नहीं, मैं फिर भी मान गई। फिर उसके बाद में हमने गाने गाए, खाना खाया और बाकी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी एग्जैक्टली हमने क्या क्या किया और कौन कौन से स्पॉट पर हम लोग गए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ब्लॉग टुडे। अब मैं मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में, मैं कंटिन्यू करूँगी मैं कल के ब्लॉग में और आपको सब बताऊँगी मैंने क्या खाया पिया और क्या किया। और टिल द टाइम आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देंगे एंड मैं आपसे मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं पूरा कवर करूँगी। टिल द टाइम बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज।